न्याय एवं सभा का उद्देश्य समाज और देश में और दुनिया में न्याय की स्थापना मात्र है, और वो भी बहुत ही शांतिपूर्वक, बड़े प्यार से, बिना कोई धरना, हड़ताल, विरोध, आरोप, आक्षेप, उपद्रव, अशांति फैलाए, इसकी जरूरत ही नहीं है। वास्तव में शांतिपूर्वक ही श्रेष्ठ कर्म होते हैं। तो न्याय एवं सभा पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से जनमत तैयार करके हंसते हुए देश को, समाज को और दुनिया को न्यायशील बनाने का ये कार्यक्रम संचालित कर रही है। न्याय एवं सभा के 111 न्याय प्रस्ताव हैं जो देश की सभी समस्याओं का समाधान है। ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिए हुए हैं और इन्हीं प्रस्तावों को जनता तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि जनता का ये दर्द होना है और जनता जैसे जनाधिकार है, शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण, इन सभी की आवश्यकता है। और इस समय राष्ट्र का धर्म केवल न्याय ही है। न्याय कहता है कि एक को शिक्षा मिले तो दूसरे को भी मिले, एक को रोजगार मिले तो दूसरे को भी रोजगार मिले, और एक गांव को सुख सुविधा, बिजली, पानी, सड़क मिलता है तो दूसरे गांव को भी मिले, और सभी को बैंकिंग, चिकित्सा, ये संरक्षण, सुरक्षा चाहिए, सभी को समान रूप से मिलनी चाहिए, बस यही न्याय है। तो न्यायशील भारत के लिए ये जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है। तो जितनी भी आतंकवाद, भ्रष्टाचार, नकली मुद्रा, इस तरह की लूट, कसूट, चोरी, डकैती जो भी होती है, उसी के लिए न्याय एवं सभा का पहला ही प्रस्ताव डिजिटल करेंसी, तो उस पर नरेंद्र मोदी जी काफ़ी अच्छे से कार्य कर रहे हैं। और आपने देखा होगा करोड़ों रुपए इसके प्रचार के लिए सरकार ने खर्च भी किया है, और न्याय एवं सभा जो है इन्हीं प्रस्तावों को देश की जनता तक पहुँचाई जा रही है, हर न्याय, घर घर न्याय के माध्यम से।